अक्सर लोगों को कहते सुना है, हमारी बहू बेटी जैसी है। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि मम्मी बिल्कुल पापा जैसी हैं या पापा मम्मी जैसे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पापा पापा होते हैं और मम्मी मम्मी। उन्हें किसी के जैसा होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी के जैसा होना चाहते हैं तो अपने अस्तित्व पर ही प्रहार कर देते हैं। बहू बेटी जैसी होनी चाहिए, यह वाक्य बहू की पहचान पर प्रश्न उठाता है। क्या बहू होने में अपनी कोई खासियत नहीं है जो बेटी जैसा होने का प्रमाण चाहिए? बहू होना क्या इतना बुरा है? कोई यह भी क्यों कहता है, हम बहू को बेटी जैसा प्यार देंगे? इसका मतलब बहू जैसा प्यार या तो होता ही नहीं है या फिर देने लायक होता ही नहीं है। बहू बहू होती है और बेटी बेटी, इनकी तुलना करना बेबुनियाद है। बेटी घर में जन्म लेती है, बहू पराए घर से आती है, अपना बचपन कहीं पीछे छोड़ आती है। वो बेटी जैसी कैसे हो सकती है? और क्यों हो वो बेटी जैसी? जब वो कहते हैं कि मैं बेटी जैसी नहीं हूँ, मैंने कहा मैं बचपन से तो किसी और की बेटी थी, अब अचानक से स्टेटस कैसे बदलूँ? मुझे नहीं होना किसी और के जैसा, मैं स्वयं में ही संपूर्ण हूँ। अगर हो सके तो मेरे बुरे वक्त में साथ खड़े रहना, मेरे स्वाभाविक कमजोरियों पर हंसना मत, मेरे मातृत्व पर सवाल मत खड़े करना, मुझे बेटी जैसा प्यार मत देना, पर मुझे बहू का सम्मान देना और मुझे बहू का प्यार देना। मैं बहू हूँ और बहू ही रहूँगी। बेटी तो मैं किसी के सालों पहले जन्मी थी, अब यह फिर से तो अगले जन्म में ही हो पाएगा।